कृतज्ञता, मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। परिभाषा, कृतज्ञता उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नति जो है वो जागृति की ओर गति को ही उन्नति कहा है, है ना? तो उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। सुपथ, समाधान, समृद्धि, अभय व सह अस्तित्व की ओर निश्चित दिशा। सुपथ मतलब अच्छा पथ या सही पथ। उन्नति, उत्थान, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता। यथार्थता के स्रोत, अकृत्रिमता पूर्वक अथवा आडंबरहीन वास्तविकता पूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति अथवा प्रयास। सत्ता में संपृक्त रूपी सह अस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। ठीक है, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोध कराने की परंपरा ही यथार्थता के स्रोत हैं। मेरा आपसे निवेदन ये भी रहेगा कि आप परिभाषा संहिता को भी समय समय पर रेफर करते रहें, और परिभाषा संहिता की जो ऐप है वो भी काफी उपयोगी है, उसमें आपको परिभाषाएं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और किताब को भी आप उसमें ना लेटेस्ट वर्जन वहां पे उपलब्ध होगा तो उसको वहां पर आप देख सकते हैं। तो इसमें मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना कृतज्ञता की परिभाषा देखें, उसमें उत्थान और उन्नति की परिभाषा देखें, और साथ ही में ना स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की भी परिभाषा देखें। देखिए, स्थिति सत्य जो है वो उसको कहते हैं जो कि सभी वास्तविकताओं की जो मूल स्थिति है, यानी सत्ता में संपृक्तता जो है उसको स्थिति सत्य कहा है। फिर उसके बाद वस्तुगत सत्य क्या है, रूप गुण स्वभाव धर्म को वस्तुगत सत्य कहा है, और वस्तु स्थिति सत्य क्या है, जो वस्तु की स्थिति है यानी कि देश दिशा काल जो है उस रूप में। तो किसी भी वस्तु की पूरी व्याख्या जो है ना, यानी उसकी पूरी उसकी स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, इन तीनों को मिलाकर किसी भी इकाई की पूरी व्याख्या हो जाती है, ऐसे ऐसे इसमें बात है। तो यथार्थता का स्रोत मतलब यही हुआ कि हमें कोई भी वास्तविकता है उसको हमें पूरा तरीके से हमें समझ में आ जाए, वो बात है। वंदना, गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा। गौरवता, निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, प्रयास, प्रवृत्ति ही गौरवता है। तो गौरवता जो है, हम किसी भी चीज को अगर हम परंपरा से स्वीकार किए रहते हैं बिना किसी विरोध के, उसके साथ में उसको हमने गौरवता कहा है। कृतज्ञता से गौरवता, गौरवता से सरलता, सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता, मानवीयता से सह अस्तित्व तथा सह अस्तित्व में से के लिए कृतज्ञता प्रकट होती है। सरलता, अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व व्यवहार पद्धति ही सरलता है। अभिमान, आरोपित मानदंड यानी कि इम्पोज्ड वैल्यूएशन है ना, यही अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है। सहजता, आडंबर तथा रहस्यता से मुक्त है ना, कोई भी तरीके का आडंबर या रहस्यता है ना से मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार व रीति ही सहजता है। सह अस्तित्व,
परस्परता में निर्विरोध सहित समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति ही सह अस्तित्व है। मानव का समूचा व्यवहार है ना, मानव का समूचा व्यवहार, सारा व्यवहार कृतज्ञता तथा कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है। तो मानव का व्यवहार है वो कृतज्ञता और कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है और उसी आधार पर वो मूल्यांकित और समीक्षित होता है। तो मानवीय परंपरा के लिए कृतज्ञता एक आधार मूल्य है ना, तो इसका अपने को विशेष इसको समझने में इसका ध्यान देना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता कृतज्ञता का उल्टा है ना, जिस किसी से भी उन्नति व जागृति की ओर प्राप्ति में सहायता मिली हो उसे अस्वीकार करना ही कृतज्ञता है, सर्वशुभ हो। इसका इसमें एक चर्चा में ऐसा भी आया था बाबा जी के साथ में, वैदिक परंपरा में क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं उसमें आगे शोध संभव हो पाया, उसका एक कारण ये भी रहा, उन्होंने ऐसा बताया कि कृतज्ञता को वो पहचान नहीं पाए। तो इस प्रकार से मैंने उस पर ज्यादा सोचा नहीं वो किस प्रकार से ये हुआ, बट ये एक वाक्य उन्होंने कहा था। तो अभी ये हमारा आज का जो मैंने जितना सोचा था।